ये एक ऐसी शेर की कहानी है जिनको मरना स्वीकार था लेकिन मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं था, जिससे मौत भी डर जाए वो शेर थे। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज दूसरे छत्रपति थे जिनको मराठा एम्पायर का छत्रपति घोषित किया। एक शब्द में कहूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही रूप छत्रपति संभाजी महाराज है। आज भी हम इनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक पॉजिटिव पावर मिलती है काम करने के लिए। और उसी से ही इंस्पायर होके मैड डॉग फिल्म्स वाले लेके आए हैं छावा, डायरेक्टेड बाय लक्ष्मण उटेकर, स्टेरिंग विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज। एक बात कहनी होगी, आप विकी कौशल को कोई भी रोल में दे दो बंदा कमाल कर देता है। बात सही है। जैसे कि सैम बहादुर, पूरी हो गई, सरदार उद्यम हो गई, कमाल कर देता है ये बंदा अपने एक्टिंग से। विक्की कौशल के साथ रश्मिका मंडाना भी है जो येसु भाई भोसले का रोल प्ले करने वाली है, जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थी। और साथ में अक्षय खन्ना भी है जो औरंगजेब का रोल प्ले करने वाले है। लेकिन एक सेकंड, हाँ ये अक्षय खन्ना ही है। पहले मुझे भी डाउट हुआ कि ये सच में अक्षय खन्ना है या नहीं। भाई कमाल कर दिया, कास्टिंग तो गजब की है। और एक डायलॉग था, सिवा गया और अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। ये डायलॉग से ही समझ आता है छत्रपति संभाजी महाराज कितने भारी पड़े होंगे औरंगजेब पर। भाइयों कहूंगा एक ही शब्दों में, पहले तो ये वाला सीन और फिर ये सीन। छत्रपति संभाजी महाराज की, भाई पूरे गुजीबम्स वाला सीन था। और जब आपको ऐसे महापुरुष की कहानी पे मूवी बनानी हो तो बहुत तगड़ी वाली रिसर्च लगती है। अब मूवी नहीं तो ट्रेलर से ही देखकर पता चलेगा इन्होंने सच में कितनी मेहनत की है रिसर्च पर। और भाई रिस्पेक्ट है विकी कौशल को, छोटा सा टीजर है लेकिन छा गया बंदा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेटा मस्ते नहीं, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सॉरी। लिटरली विकी कौशल को ये रूप में देखकर मजा आया। सच में बंदे ने मेहनत तो की है। रुको जरा, सबर करो। और उसी दिन 6 दिसंबर को पुष्पा 2 भी आ रही है। और मेरे से लिख के ले, अगर टीजर जैसी मूवी में भी दम रहा तो पुष्पा 2 को टक्कर देगी ये फिल्म। क्लैश तो होने वाला है गाइस। और उसी दिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी छावा रहेगी। और छावा मूवी में ए आर रहमान का भी म्यूजिक है। बाकी ये था मेरा ओपिनियन, मेरा कहना। आपको क्या लगता है कॉमेंट करो। और हाँ गाइस, आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। बाकी मिलेंगे किसी नई रिव्यू वीडियो के साथ। बाय। जय हिंद, जय भारत।